प्रोग्राम के दौरान दी गई जानकारियों पर अमल करने का परिणाम पूर्ण तरीके से व्यक्ति विशेष के अपने अधिकार और मर्जी पर निर्भर करता है। इसका फिरकी चैनल या उससे जुड़ी किसी भी संस्था से कोई लेना देना नहीं है। अलबत्ता अगर आपको एंकर मिल जाए तो आप उसे कूट के अपनी खुंदक निकाल सकते हैं। आपका बेटा कुंवारा है, आपको तलाश है भोली भाली सीधी सादी दिखने वाली बहू की, और आपके पति को तलाश है दूसरी पत्नी की, वो करना चाहते हैं दूसरी शादी। आज मैं आपको बताने वाला हूँ लुटेरी बहू के बारे में, जिसकी कामयाबी के चर्चे पूरे भारत में हो रहे हैं। लोग हैरान हैं कैसे सारा काम अकेले कर लेती है। पहले दिल चुराती है, बाद में घर खाली कर चली जाती है। आप सावधान रहें ऐसी बहुओं से। आजकल के गबरू नौजवान इनका बड़ी तेजी से शिकार हो रहे हैं। ये क्या कम था जो बूढ़े भी इनकी कतार में शामिल हो गए। पहले सोशल मीडिया में भेजती हैं फ्रेंड रिक्वेस्ट, अपनी बातों के जादू में रिझाती हैं, फिर सीधे सीधे शादी का प्रपोजल भेज देती हैं। शादी कर आपके घर में आती हैं और घर से झाड़ू पोछा बर्तन छुरी सब लेकर भाग जाती हैं। डरो मत, इनसे डरना नहीं है। अगर आपको कहीं ऐसी लुटेरी बहू दिखाई दे तो फौरन पकड़कर उसे किसी शहर में भेज दीजिए। शहरों में काम वाली बाई की बहुत और सतर्की भी रहे, कहीं आपकी पत्नी भी इनके नक्शे कदम पे ना चलने लगे। एक दिन पुलिस ने लुटेरी बहू को पकड़ लिया, पूछा तुम घर से सिर्फ झाड़ू पोछा क्यों चुराती हो। लुटेरी बहू ने बोला शादी के बाद ससुराल वाले घर में ज्यादा काम करवाते हैं, इसलिए घर से सफाई और किचन का सारा सामान लेकर भाग जाती है, ताकि ना खाना बनाना पड़े ना सफाई करनी पड़े। समझ गए अब आपको क्या करना है। घर में बाई रख ले, घर की बहुओं से घर का काम ना करवाएं। आपको समझ में कितना आया कमेंट कर जरूर बताएं, क्योंकि आज तो मैं खुद ही घन चक्कर हो गया, मेरा सर चकरा गया। तो फिर मिलेंगे अगर समय रहा तो, और मेडिसिन भी लेना है दिमाग दर्द की।